नमस्कार, आप देख रहे हैं इस समय खबर 22। डगरवा थाना क्षेत्र के टोली पंचायत के दुबेली गांव के वार्ड नंबर 1 में सुबह के 4:30 बजे अचानक आग लगने से 8 परिवारों के 10 से अधिक घर जलकर राख हो गए, जिसमें लाखों की संपत्ति आग में स्वाह हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही मुखिया संघ के अध्यक्ष शमशाद आलम ने डगरवा के अंचल अधिकारी रमन कुमार सिंह एवं डगरवा थाना प्रभारी शशि कुमार भगत को सूचना दी। सूचना मिलते ही दमकल कर्मी को अग्नि स्थल पर भेजा। ग्रामीणों एवं दमकल कर्मी के काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तब तक इस आग लगी घटना में 10 घर जलकर राख हो गए, जबकि आग पर काबू पाने के लिए कई घरों को तोड़कर गिराया गया। वहीं मुखिया शमशाद आलम ने बताया कि लगभग 10 लाख से अधिक की क्षति हुई है। राजस्व कर्मचारी के द्वारा जाँच कर ली गयी है। डगरवा थाना एवं अंचल अधिकारी को लिखित आवेदन देकर अग्नि पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिलाने का काम करेंगे। अग्नि पीड़ितों में समीम पिता स्वर्गीय इस्लाम, मोहसिन पिता स्वर्गीय इस्लाम, मोहम्मद सईद पिता स्वर्गीय इस्लाम, नईमुद्दीन पिता स्वर्गीय यासीन, अब्दुल सत्तार पिता स्वर्गीय अब्दुल, मोहम्मद समीम अख्तर पिता स्वर्गीय अब्दुल, जमीला खातून स्वर्गीय पिता अब्दुल गफार, मोहम्मद मारूफ आलम पिता स्वर्गीय अब्दुल रज्जाक। कुल 8 परिवार के 10 घर जलकर राख हो गए। पीड़ितों ने बताया कि आग लगने का कारण का पता नहीं चल पाया है। वहीं इस आग लगी घटना में घर में रखा सारा सामान, बर्तन, अनाज, चौकी, बिस्तर, कपड़ा, कागजात, कुछ नगद रुपए जलकर राख हो गया। पीड़ित ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। वहीं अंचल अधिकारी रमन कुमार सिंह ने बताया कि राजस्व कर्मचारी के द्वारा आग लगी की जांच कर ली गई है। पीड़ित परिवार को जल्द ही सरकारी सहायता राशि एवं सामग्री उपलब्ध करा दिया जाएगा। अरे कुंटल सुन पैसा कौड़ी भी जला था क्या? सब चीज 5-6 हजार रुपया भी जला सके। कम 6 हजार खुदरा मुद्रा हुआ वो नहीं गया। क्या हुआ नाम? अश्विन। कैसे आग लगा था? कैसे आग कौन लगाया? आपने से लगा था? अपने से लगा? हाँ अपने से आग लगा। ये बताइए कितने का नुकसान होगा घर में जो आग लगी? कितने? 30 लाख का नुकसान हुआ। कितना घर जला? सूखा घर जला। कितना घर जला? 9 परिवार का घर जला। रहने वाला घर? हाँ रहने वाला घर था। तो आग में कैसे काबू पाया गया था? दमकल आने तक बुझेला। क्या उच्च अधिकारी से सीओ से क्या मांग करते हैं? सीओ से जो नुकसान भी लस वो देते सूते घर में था। मुआवजा भरे? मुआवजा भरी था। एक बार नाम बोलिए तो। जीना दारा। वार्ड नंबर 1। अचानक 4 बजे भोर में आग उठी। जैसे हम नमाज पढ़ने के लिए निकले तो आग देखे जी। और आग देखने के बाद हम बहुत चिल्लाए। चिल्लाने के बाद सब जगह जब तक आग जो है बिखर गया, बहुत ज्यादा बिखर गया, इतना कि संभलने का काबिल नहीं रहा। उसके बाद सब घर में अचानक सटासट सब घर में पकड़ लिया। कितने घर में आग लगी? और 8 घर में आग लग गया, जिसमें के 7 घर आवासीय था, रहने वाला था। एक घर जलावन वाला था जी। लगभग कितने का नुकसान हुआ होगा? लगभग जो है 30 लाख से ज्यादा होगा नुकसान। जान माल का कुछ क्षति? जान माल तो खोल कर भगा दिए थे, मगर बाकी वो कुर्सी पलंग ये वो जितना चौकी तक था और वो जो भी था पैसा कौड़ी नुआ कपड़ा जितना था वो जल गया। सिर्फ शरीर में जो कपड़ा बची हुई थी वही था वो बचा। ये बताइए जगह स्थान का नाम? ये स्थान दुबेली है। पंचायत टोली है। वार्ड नंबर 1 है। नाम क्या हुआ? नाम मोहम्मद मोहसिन। चूँकि भोर का टाइम था, नमाज का टाइम था, तो नमाज पढ़ने के लिए लोग उठे तो उसी में आग को देखा गया। तो लोग जग गए थे तो जान माल बचाने में या बचने में कामयाबी रहा, कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन बाकी इसके अलावा जैसे घर का कपड़ा है, खाने का सारा सामान जैसे आटा दाल चावल, कपड़ा लत्ता, घर का पलंग कुर्सी है ना जी, घर का जो सामान है वो काफ़ी नुकसान हुआ है। कितने अनुमानित राशि को? देखिए लाखों का नुकसान है जी। और अनुमानित अगर करेंगे तो 10-15 लाख का से कम का नुकसान नहीं है सभी से, क्योंकि 8 परिवार का घर जला है। आवासीय घर कितने थे सर? 8 घर थे आवासीय, बाकी सारा और भी जलावन वगैरह का घर था वो सब भी जला है।
आवासीय 8 लोगों का 8 परिवार का। आग में काबू किस तरह से पाया गया? आग में काबू नहीं मिलने के कारण एक बार हम फायर ब्रिगेड को फोन किए तो उन्होंने गाड़ी भेज दी, लेकिन किसी बदतमीज ने यहाँ से फ़ोन कर दिया कि मैं आग काबू पा गया है, तो वो गाड़ी घूम गई थी। फिर दोबारा फ़ोन किए तो फिर आया गाड़ी,